चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण अर्थात वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यह विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कानून पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उत्तर प्रदेश में दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले से राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के मुद्दों से संबंधित था। आइए देखें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है क्या। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण को वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू होता है। अनुच्छेद 16(1) के तहत महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रदान किया गया कोटा वर्तमान मामले में क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल के रूप में जाना जाता है। आरक्षण की ये दो श्रेणियां एक साथ कैसे लागू की जाती है? हॉरिजॉन्टल कोटा प्रत्येक वर्टिकल के लिए अलग से लागू किया जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए महिलाओं के पास 50% हॉरिजॉन्टल कोटा है तो चयनित उम्मीदवारों में से आधे आवश्यक रूप से प्रत्येक वर्टिकल कोटा श्रेणी की महिलाएं होंगी, यानी इसमें सभी चयनित एससी उम्मीदवारों में से आधी महिलाएं होंगी और अनारक्षित या सामान्य श्रेणी की आधी महिलाएं होंगी। दो प्रकार के आरक्षणों के इंटरलॉकिंग से कुछ समूहों की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए, क्या एक ऐसी महिला को महिलाओं की श्रेणी में होना चाहिए या एससी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? यह पूरा मामला क्या है? यह मामला उन तकनीकियों पर था जो कानून का एक बड़ा प्रश्न है। यह मामला सोनम तोमर और रीता रानी से संबंधित था। परीक्षा में दोनों ने क्रमशः 276 और लगभग 233 अंक हासिल किए थे। उन्होंने क्रमशः ओबीसी महिला और एससी महिला की श्रेणियों के तहत आवेदन किया था। ओबीसी और एससी वर्टिकल आरक्षण श्रेणियां हैं, जबकि महिला एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणी है। दोनों उम्मीदवार अपनी श्रेणियों में योग्य नहीं थे। हालांकि सामान्य महिला श्रेणी में अंतिम योग्यता वाले उम्मीदवार ने लगभग 274 अंक प्राप्त किए थे, जो स्कोर तोमर को प्राप्त अंकों से कम थे। अदालत के सामने सवाल यह था कि यदि चयन करने की अंतर्निहित कसौटी योग्यता है तो क्या उच्च स्कोर हासिल करने के लिए ओबीसी महिला वर्ग के बजाय तोमर को सामान्य महिला कोटे के तहत चुना जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और अपने फैसले के लिए क्या तर्क दिए हैं? अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणी से संबंधित व्यक्ति ने वर्टिकल आरक्षण के बिना योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अंक पाए थे तो व्यक्ति को वर्टिकल आरक्षण के बिना योग्य अभ्यर्थी के रूप में गिना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में हॉरिजॉन्टल कोटे से बाहर नहीं किया जा सकता। अतीत में लंबित आरक्षण के मामलों में भी इसी तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं और कानून भी इसी तरह से बनाया गया था। यदि एससी वर्ग का कोई व्यक्ति सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करता है तो व्यक्ति को एससी कोटे के बजाय सामान्य श्रेणी के तहत योग्य माना जाएगा। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि यदि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होने के हकदार हैं, तो उनका चयन आरक्षित वर्गों की श्रेणियों में नहीं किया जा सकता जिससे वो संबंधित है। इस पर कोर्ट का तर्क है कि दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक विधि है। इसे कठोर स्लॉट्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक उम्मीदवार की योग्यता उसे खुले सामान्य वर्ग में दिखाए जाने का अधिकार देती है। ऐसा ना करने से सांप्रदायिक आरक्षण हो जाएगा।
जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी उसकी आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित है। इस प्रकार योग्यता की उपेक्षा की जा सकती है। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें दिखाए जाने वाले उम्मीदवार के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो। इस पूरे मामले पर सरकार का क्या तर्क है? सरकार की नीति आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणियों तक सीमित करने और शामिल करने की थी, तब भी जब उन्होंने उच्च ग्रेड हासिल किया हो। लेकिन अदालत ने कहा है कि ऐसा करना यह सुनिश्चित करता है कि उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग को आरक्षित कर दिया गया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, आरक्षण की क्षैतिज श्रेणी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 16(4), विकल्प बी अनुच्छेद 15(1), विकल्प सी अनुच्छेद 16(1) और विकल्प डी अनुच्छेद 15(4)। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।